प्यारे भारतवासियों, आपको शत नमन। आज हम चर्चा करेंगे आपसे कि आपने अक्सर सुना है बॉलीवुड से बेडरूम। आज का टाइटल है वीडियो का, बॉलीवुड से बेडरूम तक। आपने देखा कि बहुत सारी बार सुनने में आया कि बॉलीवुड में बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ महिला नेत्रियों का बहुत ज़्यादा खुलेआम आरोप भी लगाए कलाकारों को, आर्टिस्ट का यौन शोषण होता है। और ये कई बार तो ज़बरदस्ती होता है, कई बार उनको मजबूर किया जाता है, कई बार उनको लुभावने सपने दिखाए जाते हैं और कई बार वो अपनी खुद की मर्जी से करने लगती हैं और कुछ इसका विरोध भी करती हैं। और फिर इसी चीज़ों को बहुत मसाला लगा के कभी मैगजीन के चित्रपटल पे उनका कंटेंट बनाए जाते हैं, सोशल मीडिया पे लाखों वीडियो चल रही हैं, लोग चर्चा करते हैं। इससे भारतीय संस्कृति पर आघात हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें रुकनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें। और अगर इस तरह का यौन शोषण होता है, इसके ऊपर खुद सरकार को और इस देश के ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों के ऊपर संज्ञान लेते हुए और जितनी डिसेंसेशन कोर्ट्स हैं, एमएम कोर्ट्स हैं, सभी लोग इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इन पर संज्ञान लें, FIR दर्ज करें ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह के अपराध कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, यौन शोषण को, अवैध यौन शोषण को, अवैध जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं इस तरह के, उसको रुकना चाहिए। इससे पूरे देश की संस्कृति खराब हो रही है। जो आने वाले युवा बच्चे हैं जिनके हाथ में मोबाइल है, सरकारी आंकड़े हैं, आज 47 करोड़ 50 करोड़ एक खाली जियो कंपनी के सब्सक्राइबर हैं, मतलब उनके कस्टमर हैं। तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात है कि आज जहाँ देश का भविष्य काम, देश के विकास में काम करने के लिए वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इन जैसी वीडियो को देख के नशे की हालतों में, भी आपने अल्पेश यादव वाला केस देखा नोएडा का, तो ये अब आ रहा है कि इनका बॉलीवुड का कनेक्शन बॉलीवुड से बेडरूम तक, बॉलीवुड से बार क्लब पर्व तक, बॉलीवुड से ड्रग्स तक, नशे तक, से बहुत सारे किस्से आ रहे हैं। और सुकेश वाला किस्सा भी बहुत फेमस, तो मैं चाहूँगा सरकार इसको गंभीरता से ले और जरूरी से नजर करके इस काम को तत्काल रोकने का प्रयास करें। सभी राजनीतिक पार्टियों से, सत्ता पक्ष विपक्ष से, सभी से उम्मीद है, अपील है कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करें और जरूरी प्लानिंग और निर्देश बनाएं। इसी से सत्ता को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शांति, जिंदाबाद।